बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिग्निटरीज ऑन द डायस ऑफ द डायस, पेरेंट्स, गेस्ट एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज इंडीड अ प्लेजर टू बी प्रेजेंट एट दिस ऑस्पिशियस ओकेजन of the felicitation program undertaken by Roots and Wings School of Finance to felicitate CA Mohammad Irfan Namakwala and CA Nizam Ahmed Mansoori. Friends, when I saw the card, I was very happy. But then I was thinking what to tell, and when I saw the guest list, Advocate Tehwar Pathan, CA Ijaz Akhtar, and my dear friend Advocate Faiz Ahmed, Faiz Sayed, when they are present, what should I say? A professor of finance can throw light on the subject. I am reminded of Winston Churchill. When he went to Harvard University, he was told to interact with the students. And he said, no, I cannot interact. If you want, just 5 minutes, you interact with our students. So he said, no, I cannot interact. Main baat nahi kar sakta 5 minutes. If you want me to say few words or 5 minutes, you should have informed me 1 month before. And if you want me to speak for 15 minutes, you should have told me 20 days before. If you want me to speak for 45 minutes, mujhe kam se kam 10 din pehle bata dete. And if you want me to speak for 1 hour, I am ready now. कम वक्त में बोलना बड़ा चैलेंजिंग होता है, एंड टीचर्स दे हैव एन आर्ट टू स्पीक इन फ्यू वर्ड्स। आई विल बी वेरी फोकस्ड इन माय डेलिब्रेशन, आई विल नॉट टेक मच टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंट, रिमेंबर दैट। सक्सेस एक्सीडेंट नहीं है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ योर एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड इज चॉइस। व्हेन आई से एटीट्यूड इज चॉइस, इट मींस दैट सक्सेस इज अ मैटर ऑफ चॉइस एंड नॉट चांस। तो आप जो चूज करेंगे, जो चॉइस करेंगे, वही आपको आगे का लाइन ऑफ एक्शन और आपका सक्सेस उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा। And that is why a person sitting here, Shoaib Siddiqui साहब बैठे हैं, काविश के ब्रेन चाइल्ड है, कितने साल मेहनत की इस शख्स ने और आज जाकर उनको रिजल्ट मिला है। I salute you, sir. I never went to his academy, काविश फाउंडेशन, I never went. But I did one thing. मैंने एक काम ऐसा किया इस एकेडमी के लिए, उनको पता भी नहीं है कि ये काम मैंने किया है। इनको मैंने एक ऐसा बंदा दिया, काविश एकेडमी को, जिसका नाम है सादिक बागबान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। मैंने कहा, अगर आपको 3 बार कामयाबी मिली है IAS में, आप प्रीलिम पास हुए, मेन पास हुए, आप इंटरव्यू में गए और आपको रैंकिंग भी आई, पहली बार रैंकिंग बहुत नीचे थी, उन्होंने कहा नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करना, दूसरी बार रैंकिंग कुछ आई, लेकिन जो इलीट था, IRS, IPS, IAS, इंडियन फॉरेन सर्विस, वो नहीं मिला उनको। उन्होंने कहा नहीं, एक बार और अटेम्प्ट करूंगा, और तीसरी बार फिर उन्होंने अटेम्प्ट किया, फिर प्रीलिम पास, मेन पास, इंटरव्यू को गए,
और उसके बाद जब उनको लेटर मिला तो इंडियन ऑडिट सर्विस, IAS मिला लेकिन इंडियन ऑडिट सर्विस। और जब तक वो मेरे साथ 2008 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर चुके थे, बोले सर आप मेरे साथ ज्वाइन हुए, एक मशवरा करना है आपसे। मैंने कहा बताइए। बोले सर मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया है एंड आई गॉट इंडियन ऑडिट सर्विस, व्हाट शुड आई डू। मैं बोले यू आस्क योर फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, तो कई IAS थे, कुछ IRS थे, और एक उनका जो फ्रेंड था वो इंडियन फॉरेन सर्विस में भी था, जो उनके साथ प्रिपरेशन कर रहा था IAS की। तो उन्होंने, मैंने कहा उनसे पूछो और मैं मेरा अपना ओपिनियन भी दूंगा। इंडियन ऑडिट सर्विस के बारे में उन्होंने मालूम किया और उनसे जो फीडबैक मिला, मैंने कहा मेरा फीडबैक ले लो, उसके बाद आप डिसाइड करो व्हाट यू वांट टू डू। देन आई टोल्ड हिम, हैव यू सीन द रिजर्वेशन काउंटर एट रेलवे स्टेशन? ही सेड यस। हाउ मेनी विंडोज आर देयर? मेनी विंडोज आर देयर। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग? मेनी पीपल आर सिटिंग एंड दे आर डूइंग रिजर्वेशन। बोले हु इज द बॉस? बॉस इज द सीनियर पर्सन सिटिंग एट द बैक। उनके पीछे एक सीनियर आदमी होता है जो थोड़े सफेद बाल और एक छोटा सा टेबल लेके बैठता है, वो उनका बॉस है। वो क्या करता है, कुछ मिस्टेक होगी तो उसकी काउंटर सिग्नेचर लेते और फिर उसके बाद जो है वो अपना कैंसल और रिजर्वेशन कर देता है। देखिए गौर से सुनिए ये बात। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा इंडियन ऑडिट सर्विस में आपको यही करना है, यू जस्ट हैव टू साइन। यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ प्लानिंग, यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर योर सोसाइटी एंड आई थिंक यू कैन डू वंडर्स इफ यू स्टे इन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। फ्रॉम हियर यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई प्राउडली से। उस शख्स ने जब से काविश ज्वाइन किया कुछ नहीं किया, बोला सर बहुत टैलेंटेड बच्चे, सिर्फ उनको डायरेक्शन की जरूरत है। और नतायज आपके सामने हैं, दो आपको सिविल सर्विसेज के लास्ट ईयर उन्होंने स्टूडेंट्स दिए, शोएब साहब उसके ब्रेन चाइल्ड हैं। इस साल एक लड़की बहुत खरीब गई सिविल सर्विसेज में, रैंकिंग में थोड़ा कम, थोड़ी सी रैंकिंग में कम, बहुत खरीब जाकर वो, जिसके लिए मैंने कहा कितने बजे, सर 8 बजे अपलोड होगा, तो 8 बजे फजर के बाद 2 बार मैंने वो खोल के देखा कि लिस्ट आई कि नहीं है। हालांकि मेरा वो लड़की से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो बेटी हमारी अगर वो होती है तो शी विल बी ए मॉडल फॉर द अदर्स टू फॉलो। यू आर द रोल मॉडल्स एंड पीपल विल फॉलो यू इंशाल्लाह। और मैंने अभी अभी स्टेज पर बैठे 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 इनको दोनों को, सीए को, सीए मोहम्मद इरफान और सीए निजाम अहमद को ये बताया कि मेरे दो स्टूडेंट हैं, दो लड़कियां हैं जिन्होंने इंटर और सब पास किया, सिर्फ फाइनल ग्रुप उनका रह गया है जो ये दोनों का रह गया था, और उनसे वादा लिया कि आपको उनको गाइड करना है और स्कूल ऑफ फाइनेंस ड्रूस एंड विंग्स एकेडमी इंशाल्लाह विल सी दैट नेक्स्ट ईयर दोस टू गर्ल्स दे पास विद द अदर स्टूडेंट्स दोस आर सिटिंग हियर इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं। सो व्हेन आई से दैट फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इसमें हमारे लोग है नहीं और ये समझते हैं कि फाइनेंस बोले तो बहुत मुश्किल की बात है, अरे बाप रे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोले तो और बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स एंड माशाल्लाह एवरीबडी इज सेन हियर, वी आर नॉट इन सेन, वी आर सेन हियर। एंड व्हेन आई से सेन मींस, ये एडवोकेट तहवर पठान साहब ये समझा सकते हैं कि सेन किसे कहते हैं, राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से सेन कौन है वो बता सकते हैं, ज्यादा तशरीह की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि रूट्स एंड विंग्स एकेडमी ने जो काम हाथ में लिया है उसको
जो है आगे बढ़ाने में इंशाल्लाह सबकी दुआएं आपके साथ है। और मैं जो बात आपको कह रहा था कि एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है फाइनेंस में, एम्पावरमेंट, क्योंकि जब आपके पास फाइनेंस आता है तो एम्पावरमेंट टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल। कैसे? व्हेन यू आर एम्पावर्ड फाइनेंशियली, व्हाट यू डू, इट इज ए पर्सन्स कैपेसिटी टू मेक इफेक्ट द चॉइसेस। एंड व्हेन यू डू ए चॉइस, देन इट इज ए कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म द चॉइस इंटू डिजायर्ड एक्शन। अगर कोई चीज आपने पसंद कर ली तो उस चीज को पसंद करने के बाद उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए एक छोटा सा हिस्सा या एक सिर्फ एक लाइन में बता दूंगा आपको, जंगे बदर का अगर सीन आपके सामने आ गया, हुजूर ने क्या किया, हिकमत की और कहा कि हम जो कैदी है उनको हम माफ कर देंगे, लेकिन आप सिर्फ एक काम कीजिए, हमारे लोगों को आपके पास जो उलूम है वो सिखा दीजिए। कितनी अहमियत है देखिए, फाइनेंस का काम भी यही है। अगर आप फाइनेंस के अंदर ये टैलेंटेड लड़के लड़कियां जो बैठे हैं, टीचर्स जो बैठे हैं, इनको सिर्फ डायरेक्शन दे तो मैं नहीं समझता हूं कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आज 2 है, कल 10 होंगे और ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। वेल बिगन इज हाफ डन एंड आई हैव फुल फेथ इन Almighty Allah, when you are selfless, Allah will grant you success. अगर आप कोई काम बेलौस कर रहे हो, करते हो, तो अल्लाह की मदद उसमें शामिल होती है। और मैं समझता हूं कि Roots and Wings Academy को अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की मदद इसमें आ चुकी है। आपकी मेहनत और अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह आगे भी हमें बहुत सारे सीएस और बहुत सारे मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स। एक आखिरी आधी मिनट में एक बात कह दूं कि जो इतने फाइनेंस कंपनीज है, जिसको हम कहते हैं कि एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उसमें कौन काम करता है पता है आपको? उसमें कौन काम करता है? उसमें काम करने वाले बीकॉम, उसमें काम करने वाले बीबीए, उसमें काम करने वाले बीएससी और उसमें काम करने वाले इंजीनियर्स। बट व्हाट दे डू, दे मैनेज योर असेट्स। आप जो पैसा वो कंपनी में लगाते हैं शेयर्स के जरिए, म्यूचुअल फंड्स के जरिए और पोर्टफोलियो के अलग अलग एरियाज में आप जो पैसे लगाते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि आज पेपर में देखा गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया, मेरे पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ेगा, मुझे स्विच करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग रहती है उनके पास। और आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, अरे नहीं, ये ऐसे ही लोग बैठे रहते हैं वहां जो सीए है, ये सिर्फ बैठकर कहते हैं कि नहीं इसको म्यूचुअल फंड से निकाल के उसमें डाल दो, ये नया आईपीओ आ रहा है इसके अंदर डाल दो, इसमें नफा नुकसान दोनों है, इस्लामी नुक्ते नजर से भी सही है, बिकॉज देयर इज प्रॉफिट एंड लॉस, डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी आपको गाइड कर देंगे। प्रोफेसर है, एक बार शुरू हुआ बटन तो एक घंटा रुकता नहीं, लेकिन मैंने कहा विंस्टन चर्चिल 5 मिनट के लिए भी तैयार थे, लेकिन वो 1 महीना पहले इत्तला देने की उन्होंने गुजारिश की थी, तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए और आपको मजीद आजमाइश में ना डालते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं।
अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रूट्स एंड विंग्स अकेडमी और रूट्स एंड विंग्स फाइनेंशियल स्कूल को कामयाबी अता करे। जजाकल्ला।